से होंगे आज मैं लेकर आई हूं यह स्लीव्स का डिज़ाइन तो स्लीव्स का डिज़ाइन किस तरीके से हम बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ कि स्लीव्स का डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाना है तो सबसे पहले तो हम इसका स्लीव्स का डिज़ाइन जो है वो कटिंग करेंगे फ्यूजिंग के ऊपर ये मेरे पास फ्यूजिंग है ये वही फ्यूजिंग है जो हमारे गले में से कटिंग बचती है ये वही बचा हुआ फ्यूजिंग का पीस है इसके ऊपर हम कटिंग किस तरीके से करेंगे ये देखें इस तरीके से ये मैंने इसका निशान लगाया निशान लगाने के बाद इसका मैं एक नमक पारा टाइप का जो है ना इसका कटिंग करूँगी ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसका ये डिज़ाइन की कटिंग करी है तो ये जुड़ी हुई कटिंग हुई थी तो इसको सेंटर में से हमने कट कर लिया और इस तरीके से ये हमने इसके कटिंग कर ली ये देखें दोनों सेम कटिंग इस तरीके से हमने करी है करने के बाद इसको हम फ्यूजिंग करेंगे प्रेस करेंगे प्रेस करके इसको जमा लेंगे और ये ग्रीन कलर का ये देख सकते हैं कि प्लेन कपड़ा है और इसको मैंने प्रेस से इस तरीके से फोल्ड किया है दोनों आमने सामने फोल्ड करने के बाद फिर इसकी एक फ़ोल्डिंग और करी है करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई और ये फ्यूजिंग से हमने इसके जो पीसीस कटिंग करे थे वो हमने चिपका लिए हैं और अब जो हमने ये पट्टी बनाई हुई थी इसको इसके सेम मैचिंग के धागे से हम इसको सी लेंगे तो ये एक फ़ीता जैसा बन जाएगा तो ये फ़ीता हमने तैयार करना है क्योंकि डिज़ाइन में ये हमारे काम आएगा तो इस तरह से हमने पहले इसका फ़ीता पूरा तैयार करना है और करने के बाद इसको हम ये देखें पूरा इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे और ये काफ़ी मैंने बारीक बनाया है और ये बनाने के बाद इसकी हमने सब तरफ करनी है सिलाई सिलाई करने के बाद इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी स्लीव्स के ऊपर तो डिजाइनिंग किस तरीके से करी जाएगी वो मैं तो इसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से करी जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी कि ये हम फीता कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो हमने ये कटिंग करा था और अब इसके जो हमने ये दूसरा ये हमने चिपका के जो रखा हुआ था डिज़ाइन इसको हम सिलाई कर लेंगे साइडों से जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसकी सिलाई करेंगे ये हमारी आयस्तीन है आइस्तीन के सेंटर में हमने प्रेस से क्रीज बना ली थी और ये निशान लगे हुए थे तो नोक से नोक मिलाकर हम इसको पिनअप करेंगे पिनअप करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे अंदर अंदर ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैंने इसके ऊपर पेने लगाई हैं और इसके अंदर की साइड पे मैंने सिलाई लगाई है ये देखें जो अंदर वाला साइड था इसके अंदर वाली साइड के अंदर हमने सब तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको अंदर से कटिंग कर लेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से और ऊपर से थोड़ा सा छोड़ कर फिर इसकी सिलाई लगाई है हमने ये देखें इस तरह से ये हमने इसके अंदर ही अंदर जो है ना लगाया है और लगाने के बाद सिर्फ अंदर ही अंदर से इसका फैब्रिक को हमने कटिंग करना है कटिंग करने के बाद इसको हमने फोल्ड कर देना है ये देखें इस तरह से ये मैंने लगाया है और इसको हमने जब फोल्ड किया तो ये इस तरीके से दिख रहा है और इसको थोड़ा सा फिनिशिंग करने के लिए इसके ऊपर एक प्रेस मार लें ताकि ये अच्छे से जम जाए फिनिशिंग आ जाए तो इस तरह से हमने इसके ऊपर प्रेस कर ली करने के बाद इसके ऊपर हम साइड की सिलाई लगाएंगे तो उससे पहले तो हम एक पेपर लेंगे पेपर के ऊपर इसको हम रखेंगे आस्तीन को ये देखें इस तरह से हमने रखी और इसके ऊपर हमने प्रेस कर ली थी तो हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि लॉन् का कपड़ा है ये तो परेशानी नहीं होगी हमने इसकी ये लुप्स को कटिंग कर लेना है तो लुप्स की कटिंग हमने आठ करनी है चार इसके अंदर लगानी है चार दूसरे वाली अस् के अंदर लगानी है तो ये आठ हमने पीसीस कटिंग कर लिए हैं और इसको किस तरह से हम लगाएंगे ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर लगाना है ये देखें इस तरह से हमने पेपर के ऊपर ये जो है ना स्लीव्स रखी है और रखने के बाद इसको हम सेट करके इस तरह से ये लगा रहे हैं तो नीचे पेपर ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि उससे ये हमारा आउट नहीं होता बहुत अच्छे से ये लग जाता है तो इस तरह से हमने चटाई जैसी बनानी है एक ऊपर एक नीचे की तरफ से लुक्स को प्रोना है और उसके बाद इस तरह से ये चटाई जैसा है ना इसका शेव आ जाता है तो इस तरीके से ये चटाई जैसी हमने बनानी है और ये देखें सिंपल का सिंपल और ख़ूबसूरत का ख़ूबसूरत ये इस तरीके से ही हमने इसको रखा है और पेपर के नीचे रख के बनाने से ये हमारी जो पट्टियाँ हैं वो सरकती नहीं हैं तो इस तरह से ये हमने इसको सेट करके लगा दिया और फिर इसकी सिलाई कर ली तो ये देखें इस तरीके से हमने इसकी पहली सिलाई करी है और अब इसकी हम दूसरी सिलाई भी करेंगे तो जो दूसरी सिलाई थी वो भी हमने कर ली तो स्लीवस का डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सिंपल का सिंपल और नीचे की तरफ हमने डोरी पाइपिंग करी इसके ऊपर जो हमारा जो कलाई वाला साइड था उसके ऊपर हमने डोरी पाइपिंग कर ली और जो बाज़ू वाला साइड था और उसके ऊपर ये हमने चटाई के जैसा डिज़ाइन बना दिया ऊपर और अभी हम न्यूज़पेपर इधर से निकाल देंगे और जितना भी जो पट्टियाँ एक्स्ट्रा आ रही थी उसको हम कटिंग कर देंगे अगर ज़्यादा बड़ी आई तो उसको कटिंग कर दें तो ये हमारी एक स्लिप्स तो हो गई है तैयार दूसरी स्लिप्स किस तरीके से बनाएंगे उसका भी तरीका बता देती हूँ कि एक तरीका तो ये होता है बनाने का और दूसरा तरीका भी इसमें मैं बताऊँगी कि दूसरी ऐसिन पे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं आप अगर आपको यह तरीका सही ना लगे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इस तरीके से ये जो हमने रखा और इसके अंदर जो हॉल हमने कटिंग करा हुआ था इसको पेन की मदद से हम न्यूज़पेपर के ऊपर निशान लगा लेंगे जितना बड़ा ये आ रहा है न्यूज़पेपर पे निशान लगा कर और ये जो हमारी लुप्स पट्टियाँ रखी हुई थी इनको इस तरीके से हम सेट करेंगे और उसी तरीके से चेक बनाएंगे जिस तरीके से हमने पहले बनाया था और इन पट्टियों के ऊपर हम करेंगे दूर दूर थोड़ी सी दूर दूर हटा के उस निशान से हटा के थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और ये चटाई की तरह इसी तरीके से हम ऊपर नीचे करके इसको फोल्ड करके ये लगा देंगे और लगाने के बाद इसकी दूर दूर करके हम सिलाई करेंगे एक आप उस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि आप अगर स्लीस पे ये डिज़ाइन बनाना चाहें तो एक तरीका ये भी होता है बनाने का और एक तरीका वो भी होता है कि आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या इस तरीके से बना के तो इस तरीके से बनाएंगे तो ये भी बहुत इजी तरीका है और इस तरीके से बनाएं और डायरेक्ट फिर आप इसके ऊपर स्टिच कर दें तो अगर आप लोग को ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो न्यू देखने वाले हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें तो इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन दूसरी स्लिप का भी सैम उसी तरीके से ही बना लिया जिस तरीके से हमने पहली स्लिप का बनाया था और तरीका थोड़ा सा अलग अलग है पर डिज़ाइन सेम है और सेम ही बिल्कुल दिखेगा चाहे इस तरह से बनाएं चाहे उस तरह से बनाएं डिजाइन सेम है और सेम ही दिखेगा तो ये हमने डिज़ाइन अपना बना लिया ये देखें दोनों स्लीव्स हमारी ये सामने हैं आमने सामने हैं सैम डिज़ाइन कोई चेंजिंग नहीं है और दोनों के तरीके अलग अलग थे दोनों के तरीके अलग अलग, अलग थे और डिज़ाइन ये देखें सेम इसी तरीके से तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा मैसेज करके किस तरीके का आपको डिज़ाइन लगाए अल्लाह हाफि जजाक